देखिए अन्नू जो रोज खड़ा है उनके स्वागत के लिए, जिन्होंने जापान में हुए एशिया कप में गोल्ड मेडल पर अपनी छाप मारी हॉकी के अंदर, और उनके स्वागत के लिए कैसे लड़कियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं, मैं आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए अन्नू रोज खड़ा, पहले हमने आपको वो तस्वीर दिखाई थी उचाना से, लेकिन उसके बाद जस्ट देखिए अन्नू अपने गाँव में पहुँची है। मैं आपके साथ में वो तस्वीर भी शेयर करूँगा। ये देखिए, अगर देखिए देखिए अन्नू रोज खेड़ा, जिन्होंने जापान के अंदर हुए एशिया कप के अंदर अपनी छाप मारी और एक गोल्ड मेडल अपने गांव के नाम, उसके बाद हरियाणा के नाम और अपने जो गांव का नाम है रोशन करने का कार्य किया, उसके स्वागत के लिए कैसे गांव वालों ने, देखिए कैसे गांव वालों ने जो प्लेयर थे उन्होंने स्वागत के लिए कैसे प्रदर्शन किया और कैसे उनका स्वागत किया। ये देखिए अन्नू रोज खेड़ा, ये देखिए ये अन्नू रोज खेड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल अपनी छाप मारी और अपने गांव में पहुंचे, तो इस प्रकार कुछ इस प्रकार स्वागत किया गया। देखिए देखिए वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करने का कार्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए वो तस्वीरें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कैसे अन्नू के स्वागत के लिए बेड़ी। स्वागत के लिए कैसे, ये देखिए कैसे उस झंडे को ऊंचा किया, कैसे प्रथम कैसे तिरंगे को एक एशिया कप जापान के अंदर जो हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया और उस झंडे की आन बान शान को ऊंचा किया, उस प्रथम को लहराने का काम किया अन्नू रोज खेड़ा ने, जो हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल लेकर अपने गांव पहुंचे। स्वागत आर्दन कर लिए अपने देखिए अन्नू के स्वागत के लिए गांव में प्रोग्राम किया गया। ये देखिए गांव वाले कैसे, कितना उत्साह गांव वालों के अंदर आप देख सकते हैं, जो परिजन हैं उनके घर वाले हैं, एक उत्साह गांव वालों के अंदर दिखाई दिया। ये देखिए ये कैसे भीड़ उमड़ी हुई है अन्नू के स्वागत के लिए, अन्नू जैसे ही गांव में पहुंचे उसके बाद स्कूल में उसका स्वागत किया गया। और देखिए अन्नू रोज खेड़ा,